हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी लोग को। और आप लोग मुझे देख सकते हो कि आज हम शायद कोई रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। हाँ, सच में कुछ हम खाने आए हुए हैं, देख सकते हो। हम लोग खाना भी लग चुका है और हम लोग आज कुछ स्पेशल खाने वाले हैं, इसलिए हम ब्लॉग जल्दी नहीं ज़्यादा नहीं बना पाए हम, क्योंकि बहुत गर्मी धूप बहुत ज़्यादा थी, तो इसी कारण हम नहीं बना पाए। और देख सकते हैं यहाँ का कुछ इस तरह नज़ारा है। बैठने के लिए बहुत सारा सो ये होगा, कुर्सी टेबल होगा। देख सकते हैं हम लोग का आ चुका है, आज हम खा रहे हैं मटन भात, मटन बिरयानी, मटन भात खा रहे हैं। और देख सकते हैं मेरा ये मटन भी आ चुका है। अरे, हम कहाँ खा रहे हैं ये आप लोग लास्ट में बताएंगे, पहले हम खा लेते हैं उसके बाद आप लोग को बताएंगे। अब थोड़ा हम मुँह बनाएंगे इसमें, इसलिए मुँह बनाएंगे क्योंकि मुझे ना मटन उतना नहीं पसंद है। बहुत किसी को बोलता है ना बहुत पसंद, मुझे उतना नहीं पसंद है, इसलिए मेरा मुँह देख करके लग रहा होगा मुझे मटन उतना नहीं पसंद है। मेरा फेवरेट है चिकन और मछली। चलो ठीक है, सो गाइस हम खा चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथ धोने के लिए बना हुआ है। हाथ इतना गंदा हो गया था, मतलब गंदा नहीं, इतना ऑयली ऑयली हो गया था कि मुझे हाथ दो तीन बार सर्फ से धोना पड़ रहा था। और भी चाहिए होगा क्या? अभी हम इतना रगड़ेंगे इतना रगड़ेंगे, खा जितना धोते जाओ धोते जाओ, इस तरह हम धो रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो क्योंकि मटन खाने से ना हाथ बहुत ऑयली हो जाती है। हाथ धो लिए हैं, अब जाएंगे हम लोग यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लेने वाले थे। बस कोल्ड ड्रिंक इसलिए नहीं ली ना कि वो ज़्यादा गर्म, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं होता, और फिर से वो जल्दी भी आ गए थे खाने के लिए, क्योंकि मुझे बोकारो भी जाना है ना, इसीलिए अभी तो मैं रांची में थी क्योंकि मेरा कुछ एग्ज़ाम था तो इसलिए हम आए हुए थे। क्या आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग लेने के लिए आए हैं, बिल सेक्शन में आए हैं बिलिंग के लिए। सो गाइस देख सकते हो कि अभी हम लोग बिलिंग सेशन पे आए हुए हैं, तो देखते हैं कितना बिल बन गया है। बिल तो ज़्यादा ही बनेगा क्योंकि मुझे पता है। तो ये है हम लोग का बिल 425, और फिर बाद में और कुछ एक्स्ट्रा लिए थे तो नीचे है वो 23 रुपीज़। तो टोटल हो गया हम लोग का 484। और हम कोल्ड ड्रिंक नहीं लिए, सिर्फ हम मूड ऑफ था क्योंकि हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं, हम स्प्राइट पीते हैं। तो आइए आप लोग भी कभी होटल में खाना भी लग चुका है। बात रांची में और हम लोग यहीं पर आए थे इंडियन होटल में, यहाँ पे सिर्फ मटन ही मिलता है और भी कुछ मिलता है। अब हम लोग फाइनली खा चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की ओर। हम लोग 3 तल्ला पे चढ़े थे, बहुत ऊपर है। आप लोग भी आ सकते हैं फैमिली के साथ, मम्मी पापा के साथ। देखिए ये है इंडियन होटल, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। वीडियो को सो गाइस रांची स्टेशन पहुंच चुके हैं, और रांची में इतनी गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी लग रही है। मेरी फ्रेंड है वो बोलती है कि रांची में गर्मी थोड़ा कम है बोकारो से, बट ऐसे कुछ नहीं है, गर्मी तो हर जगह गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और फाइनली गाइस अभी हम स्टेशन पहुंच चुके हैं और मेरा ट्रेन है 1:45 में, अभी हम ट्रेन से जाने वाले हैं।
देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह है रांची का स्टेशन। अब हम जाएंगे बोकारो, अपना बोकारो। ये सबसे अच्छा तो बोकारो ही लगता है, बोकारो सबसे अच्छा है। देखिए रांची का स्टेशन कुछ इस तरह जोहार लिखा हुआ है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो कल हम ट्रैवल किए थे तो हम वो वीडियो एंड नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत थक गए थे हम। यहाँ पे 4 बजे रांची से बोकारो पहुँचे तो इसी कारण हम वो वीडियो हम बना नहीं पाए। तो चलिए आज हम अभी हम ब्लॉग एंड करते हैं। तो जो कभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और देख सकते हैं मेरा यहाँ पे पिंपल्स हो गया है, रांची जा कर के हुआ है पिंपल्स, मेरा रांची का पानी से ही हुआ है। तो पिंपल्स मेरा रेड टैप्स में हो गया है। एक्चुअली क्या हो गया ना कि मुझे कुछ भी पिंपल्स मतलब कुछ भी निकलता है ना मुंह में गर्मी के कारण, तो हम क्या करते हैं ना उसको हम फोड़ने लगते हैं, तो इस कारण मेरा रेड हो गया है, आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो मुझे बोलने में थोड़ा दर्द हो रही है। तो चलिए, जो कभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि मुझे आप लोग का आप लोग की वजह से ही मेरा इतना सब्सक्राइबर बढ़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मेरा जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि मेरे और भी लोग मेरा वीडियो देखें। और हम किसी दिन ट्रैवल ब्लॉग बनाएंगे जब रांची जाएंगे, रांची टू बोकारो का ट्रैवल ब्लॉग बनाएंगे क्योंकि अभी इतना गर्मी है ना, आप जब फ़ोन निकालते हैं तो फ़ोन बहुत गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि बता नहीं सकते। अब मेरा वन प्लस का फ़ोन है, यहाँ तक वीडियो भी नहीं बना पाते हैं, इतना गर्मी है, फ़ोन को भी गर्मी लगती है फ़ोन को भी गर्मी लगती है। तो चलिए ब्लॉग पे इसी तरह बने रहिए, आप लोग के आप लोग का सपोर्ट की वजह से हम इतना दूर आए और आप लोग मुझे इतना प्यार दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए बाय बाय बाय।